आज का दिन हमें उन सभी बलिदानियों के बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज उन्हीं के कारण हम स्वतंत्र नागरिकों के रूप में अपनी पहचान करते हैं। आजाद हिंद का सपना लिए जिस भाव से हर स्वतंत्रता सेनानी इस आंदोलन से जुड़ा, अगर मैं इस भाव को चंद पंक्तियों से आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं, तो मैं इन पंक्तियों से कहना चाहती हूं। मैं वो हवा हूं जो तूफान साथ लेकर चलता हूं, मैं वो हवा हूं जो तूफान साथ लेकर चलता हूं, अपने देश की खातिर अपना कफन साथ लेकर चलता हूं। मुझे क्या डराओगे मेरे दुश्मनों, मैं दिल में बसा के हिंदुस्तान चलता हूं, मैं दिल में बसा के हिंदुस्तान चलता हूं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही आज वो साकार स्वप्न का हिस्सा है जिसे कभी उन्होंने अपने देश के लिए देखा था। सपना आजाद हिंद का, इस सपने को देखने वाले एक और शख्सियत का नाम मैं आज आपके सामने रखती हूँ, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ। 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार ने सभी नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया। तब चंद्रशेखर पढ़ाई कर रहे थे। 1920 में महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया, तो चंद्रशेखर भी बाकी सभी छात्रों के साथ अपनी 15 वर्षीय आयु में इस आंदोलन में कूद पड़े। उनका संकल्प था कि वे ना ही कभी पकड़े जाएंगे और ना ही ब्रिटिश सरकार उन्हें कभी फांसी दे सकेगी। आजाद हिंद का सपना लिए राष्ट्रभक्ति में डूबे चंद्रशेखर को जब ब्रिटिश जज के सामने एक क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया और उन्होंने जब चंद्रशेखर का नाम पूछा, उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और जेल मेरा घर है। तभी से उनकी भीतर का आजादी का स्वप्न अब एक चिंगारी का स्वरूप बन चुका था। इस चिंगारी के लिए मैं आप सभी के सामने चंद पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। चिंगारी आजादी की सुलगती मेरे जिस्म में है, चिंगारी आजादी की सुलगती मेरे जिस्म में है, इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे मन में है। मौत जहां जन्नत हो यह बात मेरे वतन में है। कुर्बानी का नशा जिंदा मेरे कफन में है, जिंदा मेरे कफन में है। चंद्रशेखर का नाम बहादुरी, बलिदान एवं राष्ट्रभक्ति का पर्याय है। उनके पास कोल्ड कंपनी की एक पिस्तौल हुआ करती थी। वह 32 होती थी और उसके फायर से धुआं भी होने लगता था। अंग्रेज उस पिस्तौल से थर कांपते थे। वो प्रेम से उसे बबूल बुखारा करके लगाते थे। एक दिन फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद जब अपने दोस्त सुखदेव राज के साथ प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, तभी ब्रिटिश सरकार के सेनानियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इसका जवाब चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पिस्तौल से देते हुए 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और कईयों को घायल भी कर दिया। एक समय ऐसा आया जब उनके पास उनकी अंतिम गोली शेष थी। आजाद ने अपना संकल्प पूर्ण करते हुए और खुद को सही मायने में आजाद साबित करते हुए वह गोली खुद को मार दी और वे वीर गति को प्राप्त की। वतन पर मर मिटने वालों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस में वतन पर मर मिटने वालों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, अपने मन की खातिर शहीद होने वालों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। ऐसे ही मेलों के लिए जिस भाव से इन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आहुति दी थी,
एक संकल्प राष्ट्रपति के द्वारा सदैव अपने दिल दिमाग में जलाए रखने का। अंत में मैं आपके सामने एक कविता पेश करना चाहती हूँ इसी प्रण के लिए। गुलामी के अंधेरों में जलता एक दीपक करता रोशन अगणित जीवन। गुलामी के अंधेरों में जलता एक दीपक करता अपनी रोशनी से रोशन अगणित चिराग। आजादी की मदहोशी में नाचती स्वराज की लौ वीरों के